तादाद में आप लोगों ने भीड़ इकट्ठी कर, बिल्कुल आपकी बात सही है, कोरोना खतरनाक साबित हो सकती है, कहीं ना कहीं कोरोना काल चल रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन हम लोग सब चीज को मर्यादा में रहते हुए काम को कर रहे हैं। आप इस वक्त हम ज्ञापन दे रहे हैं, इसमें लाल लो साहब आप जी बताइए। मेरा नाम है अभी कुछ दिन पहले सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि प्राइवेट सीबीएसई के जो स्कूल हैं, जब स्कूल खुले नहीं हैं तो उन पर कोई फीस नहीं वसूली जाएगी, और उसमें उन्हें ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन के साथ जो फीस थी, कोचिंग फीस, वो भी ऐड कर दी है। ताकि हमसे कुछ लोग मिले भी थे बच्चों के अभिभावक, तो उन्होंने हमें बताया कि ज़बरदस्ती फीस वसूली जा रही है, इसलिए हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है और आगे समाजवादी छात्रसभा इससे भी उग्र प्रदर्शन करने के लिए। ठीक, क्या नाम है? अहमद खान टीटू, महानगर अध्यक्ष समाजवादी। जी बताइए, आज समाजवादी पार्टी के चारों फ्रंटल के संगठनों ने आज जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम महोदय को ज्ञापन देने का काम किया है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा और डीजल पेट्रोल के जो रेट बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, और ये सरकार जो तानाशाही सरकार है युवाओं पे, महिलाओं पे और छात्र छात्राओं पे जो अत्याचार कर रही है, इसके विरोध में आज हमने ज्ञापन देने का काम किया है। हमने अपनी मांगे रखी है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई है तो समाजवादी यूथ फ्रंटल के पूरा प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे और इस तानाशाही सरकार को उठाने का काम करेंगे। नाम बताइए। जी बताइए। और समाजवादी छात्र समाज, आज जो हम लोगों ने यहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव किया है, जिस तरीके से छात्र विरोधी सरकार 5 साल में उन्होंने लगातार जो है फीस की वृद्धि की है, जो छात्र हैं उनकी जो छात्रवृत्ति जो है उनको नहीं मिली है, और कॉलेज में लगातार आज देख रहे हैं जब से कोविड जो है 19 जो है स्टार्ट हुआ है तब से आज तक कोई भी कॉलेज जो है नहीं खुला है, लेकिन फीस छात्रों से पूरी तरीके से वसूली जा रही है और पूरी तरीके से अपनी मनमानी करते हुए सेल्फ फाइनेंस को लगातार खोला जा रहा है। वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज नहीं है, ये दुकानों के रूप में जो है खोले जा रहा है। आज हमारे यहाँ देखिए रोहिलगंज विश्वविद्यालय के अलावा एक भी सरकारी विश्वविद्यालय, बरेली कॉलेज के अलावा एक भी सरकारी कॉलेज जो है उन्होंने नहीं बनाया है, और इसके अलावा 5-5 जो है उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ पर बनाकर खड़ी की है जिससे कि ये मोटी फीस जो है वसूल सके। इसी को लेकर आज समाजवादी छात्र सभा द्वारा और सारे फ्रंटल संगठन द्वारा जो है वो घेराव किया है, और अगर हमारी मांगों को नहीं मांगे हैं तो इस ये आंदोलन हम यहाँ से शुरू करेंगे और उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में हमारा आंदोलन चलेगा और कल के दिन हम जो है विधानसभा घेराव करेंगे। ठीक है, आप नाम? हाँ, क्या कहना चाहते हैं? आज हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के चारों फ्रंटल संगठन ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम किया है। इसमें बढ़ती पेट्रोल डीजल महंगाई और जो महिलाओं पर अत्याचार आ रहा है, दिन प्रतिदिन रेप हो रहे हैं, और योगी सरकार अपने आप में मस्त है, वो कोई काम नहीं कर रही है, दूसरे के कामों का फीता काटने का काम कर रही है, एक भी नया काम उन्होंने प्रदेश में चारों साल में नहीं किया है। अगर उन्होंने ऐसे फीते काटे तो वो घर बैठ जाएं, उन्हें इस जनता को जरूरत नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विकास पुरुष हैं, उन्होंने लगातार 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लगातार दिन और रात काम करने का काम किया और विकास की गंगा बहाने का काम करी, लेकिन ऐसे लोग जो बिल्कुल अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, और प्रदेश में बिल्कुल कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ऐसे लोगों को सरकार में बैठने का कोई हक नहीं।